अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। ये एक ऐसा लेजेंडरी डायलॉग है जिसे हम सब ने सुन रखा है, पर इस लाइन पर एक्चुअल में भरोसा करने वालों की गिनती बहुत कम है। लेकिन जो भी लोग इस लाइन पर दिल से विश्वास करते हैं, असल में वही लोग अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं। और ये कहानी सुनने के बाद हो सकता है कि इस लाइन पर आपको भी यकीन हो जाए। बर्नर्स एक बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो अपने टाइम के सबसे मशहूर साइंटिस्ट एडिसन के साथ में बिजनेस करना चाहते थे। ध्यान से सुनना, वो एडिसन के पास काम नहीं बल्कि उनके साथ काम करना चाहते थे, और ये कर पाना बर्नर्स के लिए ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो बर्नर्स की उनसे कोई बातचीत थी और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो ट्रेन पकड़कर न्यू जर्सी उनके पास जा सकें। इसीलिए वो चोरी छुपे एक मालगाड़ी के अंदर बैठकर न्यू जर्सी तक पहुंच गए। जब वो एडिसन के पास पहुंचे तो उनके साथ उनको पार्टनरशिप में काम करने का कोई भी मौका नहीं मिला, और पार्टनरशिप में मौका मिलता भी कैसे, वो बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। पर क्योंकि एडिसन ने समझा कि वो बहुत दूर से खास उनके लिए आए हैं, तो उन्होंने अपने ऑफिस में कम तनख्वाह पर काम करने का उनको एक ऑफर दिया। बर्नर्स ने एडिसन का ऑफर खुशी खुशी कबूल कर लिया और वो उनके अंडर काम करने लगे, क्योंकि वो अपनी बिजनेस स्किल्स को एडिसन को दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। बर्नर्स ने काफ़ी महीनों तक एडिसन के पास ऐसे ही कम सैलरी पर काम किया, लेकिन अब भी उनका इरादा एडिसन के साथ बिजनेस करने का ही था। और जब एडिसन ने एडिसन डिक्टेटिंग मशीन नाम का एक ऑफिस डिवाइस बनाया, तो बर्नर्स को वो अपॉर्चुनिटी आखिर मिल ही गई जब वो हमेशा से चाहते थे, क्योंकि एडिसन के इस डिवाइस को उनके हर सेल्समैन ने बेचने से साफ इनकार कर दिया था। उन लोगों को लग रहा था कि एडिसन के इस नए इन्वेंशन को खरीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेगा, लेकिन बर्नर्स की सोच कुछ अलग ही जा रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो इस डिवाइस को बेच सकते हैं, इसीलिए एडिसन ने अपने नए डिवाइस को बेचने का काम बर्नर्स को सौंप दिया। अब क्योंकि बर्नर्स की स्किल्स काफ़ी अच्छी थीं, तो अलग अलग तरह से माइंड लगाकर उन्होंने कई सेल्स निकाल दीं। एडिसन को जब ये पता चला तो उनके काम से खुश होकर उन्होंने बर्नर्स को वो मशीन पूरी कंट्री में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। देन इस अपॉर्चुनिटी के मिलने से बर्नर्स को बहुत सक्सेस मिली और अब वो अमीरी की तरफ बढ़ने लगे। पूरा एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन ऐसा अंदाज़ा है कि उस डिवाइस को बेचकर उस समय बर्नर्स ने करीब 2 से 3 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। वेल, ये स्टोरी मैंने आपको 80 सालों से पढ़ी जा रही नेपोलियन हिल की बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई है। इस बुक ने अब तक सच बहुत से मिलियनर्स बनाए हैं। ये सरप्राइजिंग है कि नेपोलियन हिल ने इस बुक पर काम करने के लिए 500 से भी ज़्यादा मिलियनर्स का इंटरव्यू लिया था, और ये मिलियनर्स कोई खानदानी रईस नहीं बल्कि सेल्फ मेड मिलियनर्स थे। इसीलिए इस बुक की लिखी गई एक एक बात बहुत वैल्यूबल मानी जाती है। सो अगर आप भी इन वैल्यूबल बातों को ठीक से समझना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी अपने घर के पहले सेल्फ मेड मिलियनर बने, तो ये वीडियो आज आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इस बुक के कुछ ऐसे लेसन्स मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि आपके पैसों को लेकर सोच बदल कर रख देंगे। सो लेट्स बिगिन। पहला चैप्टर है फेथ। हेनरी फोर्ड ने जब V8 मोटर बनाने का तय किया, तो उस टाइम उनके मन में एक ऐसे इंजन बनाने का आइडिया दौड़ रहा था जिसमें 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में कास्ट हों। उन्होंने अपने सभी इंजीनियर्स को ठीक ऐसा ही इंजन तैयार करने के ऑर्डर्स दे दिए और पेपर पर ड्रॉ करके भी दिखाया कि ये इंजन तुम लोग को कुछ इस तरह का रखना है। पर जो भी उस पेपर को देखता तो उसके मुंह से यही निकलता, सर ऐसा इंजन बनाना तो नामुमकिन है। लेकिन फोर्ड ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और उनको इंजन हर हाल में बनाने के ऑर्डर दे दिए और बोले कि तुम सब ये इंजन अभी से बनाओ और तब तक मत रुकना जब तक ये बनकर तैयार ना हो जाए, चाहे फिर इसमें कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, तुम ले सकते हो। ये बात सुनकर वो सारे इंजीनियर्स अपनी पूरी मेहनत में लग गए, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर 1 साल बाद जब फोर्ड ने इंजन की खबर ली, तब भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक चीज़ थी कि इतने समय तक कोशिश करने की वजह से उन्हें एक रफ आइडिया हो गया था, और फाइनली इंजीनियर्स को वो सॉल्यूशन मिल ही गया जिससे 8 सिलेंडर्स एक ही ब्लॉक पीस में आ सकते थे। ये सब कुछ फोर्ड के डिटर्मिनेशन की वजह से हो पाया। उनको अपनी सोच और वर्कर्स पर पूरा भरोसा था कि भले ही टाइम लग जाए पर ये काम जरूर होगा। और यही इस पॉइंट की मेन सीख है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने डिजायर को हकीकत में बदलना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जब आपको अपनी सोच पर यकीन होगा तब आपका माइंड आपको खुद ही ऐसे रास्ते दिखाएगा जिससे कि आप उसको पूरा कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको 1 साल के अंदर पूरे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, और आज से ही 1 करोड़ रुपए कमाना आपका एक बर्निंग डिजायर बन गया है, लेकिन पर आपको खुद पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा कि आप इतने पैसे कमा भी कैसे सकते हो, तो ऐसे में 1 करोड़ तो क्या, आधा भी कमाने में आप नाकाम हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपको खुद पर भरोसा है कि मैं कैसे भी करूं 1 साल में 1 करोड़ तक मैं अब पहुंच कर ही दिखाऊंगा,
तो यहाँ पर फिर आपका माइंड आपके सामने कई वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दिखा देगा जिससे कि आप उतने पैसों तक पहुँच सको। देखो, पैसे कैसे कमाने हैं, अमीर कैसे बनना है, इनके ऊपर तो आपको इतनी बुक्स मिल जाएंगी जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। पर इस पैसे कमाने की जर्नी में आपकी थिंकिंग और आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस पर बहुत ही कम बुक्स बनी हैं। और जब भी आप किसी कामयाब इंसान से कोई बुक सजेशन मांगोगे तो वह आपको सबसे पहले या तो थिंक एंड ग्रो रिच या रिच डैड पुअर डैड या फिर द साइंस ऑफ गेटिंग रिच को ही रिकमेंड करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तीनों ही ऐसी बुक्स हैं जो अमीर बनने की जर्नी शुरू करने से पहले आपके माइंडसेट को चेंज करती हैं, जो कि सच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन बुक्स के इंपॉर्टेंट बातों को डिटेल में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इन बुक्स के डिटेल नॉलेज पाने के लिए आपको इन्हें परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों ही बुक्स की ऑडियो बुक्स और बुक समरीज आपको कोको एफएम एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। वहां पर आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे की ऑडियो बुक में हर वो इंपॉर्टेंट चीज जानने मिल जाएगी जो शायद आपको अभी तक ना पता हो। कोको एफएम को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, कोको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर 10,000 से ज्यादा घंटों के ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। एंड यहां पर आपको इन बुक्स के साथ साथ कई और वैल्यूएबल बुक्स जैसे कि मनी मास्टर द गेम, द टोटल मनी मेक ओवर, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी कमाल की बुक्स पर ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती हैं। वैसे अगर आप इस एप्लीकेशन का मंथली सब्सक्रिप्शन चुनते हैं तो इसकी नॉर्मल कॉस्ट पड़ेगी आपको 99 रुपीज़ की। बट इस न्यू ईयर पर कोको एफएम हमारे लिए एक बिल्कुल न्यू ऑफर लाया है जिसमें आपको पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है पूरा 50% ऑफ। बस कूपन कोड सेक्शन में जाकर आपको DH50 नाम से ये कोड ऐड करना है और 99 का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 49 में मिल जाएगा, जो एक कॉफी की प्राइस से भी कम है। तो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, इस साल नॉलेज गेन करने की एक न्यू हैबिट बनाएं और इस लिमिटेड ऑफर का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। और यही हमारा अगला लेसन भी है जो है डिसीजन। ऑथर बताते हैं कि एक बार में 25,000 से ज्यादा लोगों का, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनके फेलियर और फेलियर के पीछे का रीजन जब एनालाइज किया गया तो इसका रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि इस स्टडी ने यह प्रूव किया कि इंसान के फेल हो जाने का जो सबसे बड़ा रीजन निकल करके आ रहा है वो है डिसीजन ना ले पाना। क्योंकि लोग जब कोई डिसीजन नहीं ले पाते तो वो चीज़ों को टालना शुरू कर देते हैं और एट लास्ट फेल हो जाते हैं। साथ ही ऑथर ने यह भी बताया कि जब $1 मिलियन कमाने वाले 100 लोगों को स्टडी किया गया तो तब ये बात सामने आई कि वो लोग अपनी लाइफ में इतने पैसे इसलिए कमा पाए क्योंकि वो लोग कभी सही टाइम पर सही डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटे थे। हेनरी फोर्ड की भी सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो सही टाइम पर सही फैसला लेना जानते थे, और इसी क्वालिटी की वजह से तब भी उन्होंने अपनी फेमस कार मोटर टी को बनाना जारी रखा जब हर किसी को वो कार बहुत बदसूरत लग रही थी। उनका एडवर्टाइजर्स उनको बार बार फोर्स कर रहे थे कि इस मॉडल में बदलाव कर दो, प्लीज इसमें बदलाव कर दो, लेकिन फोर्ड ने जानबूझकर इस मॉडल डिजाइन में चेंज करने में बहुत देर कर दी, जिस वजह से मॉडल लॉन्च करने का टाइम काफी नजदीक आ गया और उनको फिर तब वही मॉडल लॉन्च करना पड़ा। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि लोग उस कार की एक्चुअल क्वालिटीज को जाने बिना बाहर से देखकर उसको जज किए जा रहे थे, पर फोर्ड को पता था कि ये कार जब लोगों के हाथों में जाएगी तो ये धमाल मचा देगी, इसलिए उन्होंने उस काम को तब तक टालने का फैसला किया जब तक उसकी लॉन्च डेट ना आ जाए। फिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। फोर्ड मॉडल टी, जिसको सब पहले अगली समझ रहे थे, वो उस टाइम हर किसी की पसंद बन गई। तो एक वेल्दी इंसान बनने के लिए आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की पावर को समझना होगा, क्योंकि डिसीजंस लाइफ में आपको क्लियरिटी देते हैं, और जब आप अपने गोल्स को लेकर एकदम क्लियर होते हैं तब आप उनको पूरा करने के लिए सही एक्शंस ले पाते हैं। नंबर 3, डिजायर। एक अमीर इंसान बनने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो इसके लिए आपको पहले उसकी इच्छा होनी बहुत जरूरी है। अब शायद आप सोच रहे हो कि मुझ में तो अमीर बनने की इच्छा है, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा इच्छा है, पर मैं अमीर थोड़ा ही हूँ। लेकिन यहाँ उस सपने वाले डिजायर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है एक बर्निंग डिजायर की। वो बर्निंग डिजायर जो बर्नर्स को एडिसन के साथ बिजनेस करने का था। लोग हद से हद चीजों की विश करते हैं, डिजायर रखते हैं, लेकिन ना के बराबर ऐसे लोग होते हैं जिनमें कुछ भी चीज पाने का एक बर्निंग डिजायर होता है। अब ये बर्निंग डिजायर क्या है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप रोज सुबह उठकर थिंक एंड ग्रो रिच अगर पढ़ोगे तो इससे आपकी सोच बदलेगी और आप अमीरी की तरफ बढ़ने लगोगे, तो मेरी इस बात को शायद कोई सीरियसली भी नहीं लेगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कल मेरा एक लाइव सेशन है और वहां पर मैं पहले आने वाले 10 सब्सक्राइबर्स को 20,000 रुपये दूंगा, तो अब इसके बहुत चांसेस होंगे कि लोग टाइम से पहले ही उस सेशन का वेट करने लग जाएं, क्योंकि यहां मैंने आपको एक बहुत बड़ा रीजन दिया है जिससे आप में एक बर्निंग डिजायर आ गया।
ऑथर कहते हैं कि जब आप में एक बर्निंग डिजायर पैदा हो जाता है तो आप मान सकते हो कि आप अमीर बनने की शुरुआती स्टेज में कदम रख चुके हो, क्योंकि इस इच्छा में आप यकीन मानना सच बहुत शक्ति होती है। ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जब उनका बेटा 6 साल का था तब वो सही से बोल नहीं पाता था, या बोलता भी था तो बस ना के बराबर बोलता था। डॉक्टर ने उनको ये तक कह दिया था कि अब उनका बेटा लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऑथर और उनकी वाइफ उसे ऐसा नहीं देख सकते थे, जिसके बाद उन्होंने छोटी छोटी बात पर अपने बेटे को उकसाना शुरू कर दिया। वो दोनों कुछ न कुछ उसको ऐसा बोल देते थे कि अपने ना बोल पाने पर उसको चिढ़ सी महसूस होने लगी, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी उनको कुछ न कुछ बोलने का ट्राई करता था, जिसका सीधा रिजल्ट ये निकला कि ऐसा करते करते उसने बोलना नॉर्मली शुरू कर दिया। देखो दोस्तों, हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन हम अपने माइंड में लिमिटेशंस लगाकर खुद ही अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने से रोक देते हैं। तो दोस्तों, ये लेसन्स मैंने आपको ऑल टाइम सेल्फ हेल्प कैटेगरी में आने वाली बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताए हैं। अगर आप इस बुक की बातों को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कूको एफएम पर इस बुक की लगभग 9 घंटों की ऑडियो बुक अवेलेबल है, आप वहां से जान सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।